अस्सलामुअलैकुम पाक बाइकर्स, मैं उस्मान नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप पाक यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ गाइज, आज हम आप दोस्तों के लिए लेके आए हैं ओनर रिव्यू होंडा CG 125 सेल्फ एडिशन का। तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद है 2023 मॉडल, जो कि मेरे बड़े भाई ने परचेस किया है और 500 किलोमीटर हमने ये बाइक चला ली है। और 500 किलोमीटर चलाने के बाद हम अपने दोस्तों को इसका ऑनर रिव्यू देंगे कि इस बाइक ने मुझे क्या फ्यूल एवरेज दी है और मैंने इसके अंदर अभी ऑयल चेंज कराया तो कौन सा करवाया और ओवरऑल इस बाइक की जो राइड है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। एक पहली बात शेयर करेंगे हम कि होंडा 125 इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में शॉर्ट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद मुझे ये बाइक मिली है। इस टाइम इस बाइक की जो प्राइस है वो है 2,75,000, 2,75,000 की मुझे ये बाइक मिली है इस टाइम। और हमारे डीजी खान सिटी में इस बाइक के ऊपर जो है ऑन भी चल रहा है। तो मुझे ये बाइक अभी 275 की मिली है, मेरा जानकार तो उसने मुझे इस पैसों में दी है। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आपकी सिटी में क्या होंडा 125 शॉर्ट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि मैंने 2,75,000 का ये मोटरसाइकिल लिया, तकरीबन मुझे हो गया इसको लिए हुए ऑलमोस्ट हफ्ता हुआ है और मैंने इसके ऊपर 500 किलोमीटर इसको राइड कर ली है। तो अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें, चूँकि अभी बाइक न्यू है तो फ्यूल एवरेज जो है इसने मोर और लेस मुझे 35 की दी है, 35-36, क्योंकि बाइक की अभी रनिंग नहीं हुई, बाइक अंडर रनिंग है अभी। जब इस बाइक की रनिंग होगी, रनिंग होने के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो ऑलमोस्ट 38-39। वो दोस्त बहुत खुश नसीब हैं जिनका 125 स्पेशली उनको 40 या 40 से ऊपर की एवरेज देता है, तो उन दोस्तों ने भी ज़रूर मेंशन करना है, अपने कमेंट्स में बताना है कि आपका बाइक कितनी फ्यूल एवरेज देता है। तो जिस तरह आपको मैंने बताया इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 35-36 तक फॉल कर रही है। और उसके बाद अभी तक इसका मैंने ऑयल चेंज नहीं कराया, ऑयल इसका जो कंपनी की तरफ से होंडा का जेन्युइन ऑयल आया, अभी तक इसमें वही ऑयल यूज़ हो रहा है। ओवरऑल अगर बाइक की हम कंफर्ट की बात करें तो बाइक की जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छी है। मेरे पास CG 125 क्लासिक भी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसका भी और इन दोनों का कंपैरिजन रिव्यू भी लेकर आएंगे, क्योंकि अब बाइक घर में मौजूद होगी तो अगर कोई मसला मसाइल होगा मैं आप दोस्तों से शेयर करता रहूँगा। बाइक की कम्फर्ट की बात करें तो बाइक की कम्फर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो चीज़ें इनमें इंप्रूवमेंट्स लगी हैं या जो मुझे होंडा CG 125 क्लासिक से हट के सेल्फ एडिशन के ऊपर जो मुझे चीज़ें चेंजेस लगी हैं, उसमें सबसे पहले आई थी इस बाइक की सीट। इस बाइक की सीट जो है वो दिखने में तो लगता है कि आम 125 वाली सीट ही है, मगर ये बाइक की सीट थोड़ी सी चौड़ी है और इसकी जो कंफर्ट है सीट की वो कुशनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, और जिन दोस्तों ने इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू देखना है कि इस बाइक में क्या चीज़ कैसे है, क्योंकि ये ओनर रिव्यू है तो रिव्यू भी ऑलरेडी टॉप पाक बाइक चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप दोस्त वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बाइक की बात करेंगे असेंबलीज़ की। इस बाइक की जो असेंबलीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और इसकी असेंबलीज़ का जो वर्क है, मतलब कुछ दोस्त कह रहे थे होंडा की असेंबलीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे इसका सेल्फ की बात कर रहे थे, तो जी हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, सेल्फ कहीं हद तक अच्छा नहीं लगा हुआ इसका, मीन्स के जो उसके बटन है, जो असेंबली है, जो इसकी लेफ्ट असेंबली है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसको यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि तकरीबन 20-30-40 सालों से हमें सेम असेंबलीज़ वही सिंपल सी मिल रही हैं जो 2010 के बाद उन्होंने 125 में चेंजेस किए। इसमें चलो ये है कि थोड़ा सा एडिशन आ रही हैं, जो इनका स्पेशल एडिशन जो है 125 उसके अंदर भी यही सेम असेंबलीज आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी इनसे हट के, तो इसकी जो शॉक्स हैं उसकी कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छी है, जो शॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरम है, सॉफ्ट है। और जो सबसे बड़ा सवाल इस टाइम शायद आप लोग भी ये वीडियो देखने का जो आपका मकसद हो और जो मेरा ये बाइक परचेज करने का मकसद था, वो था बेसिकली इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन है या नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, चूँकि ये भी 4 स्ट्रोक का ओवरहेड अपना स्ट्रोक इंजन है तो इसके अंदर वाइब्रेशन तो हमें मिलेगी। इस बाइक के अंदर बैलेंसर शॉफ्ट मौजूद नहीं है, बैलेंसर शॉफ्ट ना इसमें मौजूद है, ना क्लासिक में मौजूद है, ना होंडा की और बाइक्स में मौजूद हैं जो 125 कैटेगरी के अंदर आते हैं। यामाहा YBR के अंदर बैलेंसर शॉफ्ट हमें मिल जाती है, इस बाइक में नहीं है। मगर इसकी जो वाइब्रेशन है वो क्लासिक जो CG 125 है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जब मैंने इस बाइक को राइड किया 70-80 के ऊपर और उसी टाइम मैंने बाइक चेंज की, बाइक स्वाप की, तो उसके अंदर भी मेरे पास 2023 मॉडल का ही 125 है, तो उसका भी मैंने ओनर रिव्यू किया हुआ है, वो भी चैनल पे अपलोडेड है। तो जब मैंने इस बाइक से शिफ्ट किया उस बाइक के ऊपर तो मुझे 19-20 का फ़र्क नहीं, ऑलमोस्ट 17-18-20 का फ़र्क नज़र आ रहा था, कि मतलब फ़र्क आ रहा था कि मैं किसी और बाइक के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ। और अगर हम इसकी थ्रॉटल की बात करें या हम इसकी पिक की बात करें तो पिक में ऐसा सच फ़र्क नहीं है। जी हाँ, ये बाइक थोड़ा सा उस बाइक से भारी है, इसका वज़न में 6 किलो का ऑलमोस्ट फ़र्क है, वो उसका ड्राई वेट 100 kg है, इसका जो ड्राई वेट है 106 kg 107 kg ऑलमोस्ट यहाँ पे फॉल करता है। इसकी अपनी अपना फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, मगर जो इसकी पावर है बाइक की हम ये नहीं कह सकते उससे ज़्यादा है या उससे कम है,
लॉन्ग रूट पे देखा जाए तो जो बेसिक मेरा मकसद था वो इस बाइक ने पूरा किया, जो किया इसकी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हम इस बाइक के अंदर कम है, 60-70 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, 80 पे जा रहे हैं, तो आई एस सच जो वाइब्रेशन आपको लग रही होगी CG125 क्लासिक के ऊपर वो आपको इस बाइक पे नजर नहीं आने वाली। उसके बाद अगर हम इसकी सेल्फ की बात करें क्योंकि कुछ दोस्तों ने बोला कि 125 का सेल्फ अच्छा नहीं आ रहा इसमें, 2019 में जब ये लॉन्च किया था इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे, मगर 2021 के बाद इन्होंने 22 मॉडल में और ख़ास तौर पे अब 23 मॉडल में, जो कि बाइक मेरे पास है, मुझे आज तक अभी तक 10 दिनों से इसने कभी कोई तंग नहीं किया सेल्फ के हवाले से। एक सेल्फ पे ये बाइक स्टार्ट होती है, अगर सुबह ये बाइक ठंडी भी ठहरी हो, कोल्ड स्टार्ट भी करूँ तो ये एक सेल्फ पर स्टार्ट होती है। आपको वीडियो के दौरान इस बाइक का मैं साउंड भी सुनाऊँगा कि इस बाइक का साउंड किस तरह का, ब्लैक सेंसर इस पे लगा हुआ है। अभी इस पे मैंने कोई इतनी मॉडिफिकेशंस नहीं की, बस थोड़ी सी नेसेसरी चीज़ें थी वो लगवाई हैं। और अगर हम इस बाइक की अगर हम नंबर की बात कर लें तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ऑलमोस्ट वो 7,000-7,500 सिटी टू सिटी, थोड़ा बहुत वेरी कर रही है क्योंकि अगर आप किसी डीलर को देते हैं या एजेंसी को देते हैं तो वो अपना 500,000 अपना कमीशन लाजमी रखते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम इस बाइक के शॉक्स की, तो शॉक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, शॉक्स में इतना फ़र्क नज़र आए, कम्फर्ट ज़्यादा है, शॉक्स में इतना फ़र्क नहीं है, शॉक्स इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ओवरऑल जो इस बाइक का मकसद था मेरा वो लेने का वो पूरा हुआ है कि अगर आपने वाइब्रेशन के वाले से, आप CG125 लवर हैं और आप चाहते हैं कि आप वाइब्रेशन आपकी बाइक में ना हो या कम हो, तो आप इस बाइक की तरफ जाएं। आपको इसके सेल्फ के कोई मसले मसाइल नज़र आने को नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि बाइक को 4 साल हो गए सेल्फ को आए हुए, तो होंडा ने, एटलस ने बहुत ज़्यादा जितनी भी इसकी कमी पेशी थी वो सब दूर की हैं। और इसके अलावा अगर आप मोबाइल की बात करते हैं, ऑयल की बात, इंजन ऑयल जो है उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, को बेस्ट कौन सा है, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ हैवोलिन का 2050 जो है वो आपके लिए बेस्ट हैवोलिन ऑयल है। अब चलते हैं इस बाइक के साउंड की तरफ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त इंतजार कर रहे होंगे इस बाइक का साउंड किस तरह है, तो आपको सेल्फ के साथ मैं इस बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ और आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। तो गाइस इस टाइम आप देख सकते हैं बाइक ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर चल गई है, तो मैं अब आपको उसका साउंड सुनाता हूँ और सेल्फ का भी टेस्ट कराता हूँ कि इसका सेल्फ किस तरह का है। तो यहाँ पे सेल्फ है, देखें आप पहले सेल्फ पे ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे सेल्फ का मुझे इशू अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा, इंशाल्लाह उम्मीद आगे नज़र भी नहीं आएगा। तो साउंड आप इस बाइक का सुने ज़रा, ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।